बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साज्य, आज 15 अगस्त 78वां स्वतंत्रता दिवस और संपूर्ण देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सभी स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, कोई भी कार्य अपने मन के अनुरूप कर पा रहे हैं, इच्छा के अनुरूप कर पा रहे हैं। लेकिन बीतक के जिस प्रसंग में हम पहुंचे हैं वह स्वतंत्र भारत का समय नहीं है, वो पराधीन भारत है। और वैसा भारत जिसमें हिंदू होना भी एक तरह से गुनाह सा था, हिंदू त्योहारों से लेकर के शिखा सूत्र वेशभूषा भाषा सभी पर एक तरह से प्रतिबंध सा लगा हुआ था। चोटी रखने पर कर देना पड़ता था, जनेऊ धारण करने पर कर देना पड़ता था। हिंदी भाषा में कोई बात आपकी सुनी नहीं जाती थी। और ऐसे समय में जब कट्टर शरीयती औरंगजेब का शासन है, वो औरंगजेब जिसके बारे में मैंने कल भी कहा कि जिसने सत्ता के लिए अपने बाप को, अपने तीनों भाइयों को या अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा, जिससे दया की आशा कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं की जा सकती थी, ऐसे औरंगजेब को श्रीजी सहित सुंदर साथ एक धर्म का संदेश देने जा रहे हैं। ऐसा संदेश जो यदि औरंगजेब समझ जाता तो भारतवर्ष का इतिहास कुछ और होता, और विशेष रूप से धार्मिक इतिहास कुछ और ही होता। धर्म के नाम पर जितने अत्याचार उसने किए वो अत्याचार नहीं होते। और यदि औरंगजेब उस समय संदेश को समझ पाता तो हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए जो भी द्वेष भावना है, जो भी घृणा की भावना है, वो समाप्त हो जाती, मिट जाती। और समस्त विश्व में जो हमारी परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, या जिसको ब्रह्मवाणी कहती है सुख शीतल करूं संसार, यह कथन पूर्ण होता। इसी कार्य हेतु सुंदर साथ प्रयास कर रहे हैं और उसमें इस कार्य को करने में इतना उत्साह है जितना उत्साह भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु उस समय शहीदों का था। यहां स्वतंत्रता का युद्ध नहीं है, पर समर्पण पुरुषार्थ और उत्साह वैसा ही चाहिए, चूंकि आज प्रसंग भी वैसा ही है। बलिदान का प्रसंग है, बलिदान के स्मरण का प्रसंग है। और हमने थोड़ी देर पहले एक कीर्तन भी सुना, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। और कुर्बानी करने के लिए, समर्पण बलिदान होने के लिए सुंदर साथ में कैसा जोश है, कह रहे हैं जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। सुंदर साथ की अवस्था देख करके, उनका उत्साह देख कर श्री जी ने उन्हें सांत्वना दिया, दिलासा दी कि आप जिस कार्य हेतु प्रयासरत हैं वो अवश्य ही सफल होगा। सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और उनके नाम पे तो एक नहीं कई फिल्म भी बनी है, चलचित्र का निर्माण हुआ है। मृत्यु के लिए उनके मन में जरा भी डर नहीं था। और यहां तक कि
उनके बारे में एक बहुत ही प्रेरणास्पद बात जो पढ़ने को मिलती है वो ये है कि वो किसी किताब को पढ़ रहे थे और जब उनको फांसी दी जानी थी, उनको बुलाने के लिए जो भी सैनिक आया था उनको कहा कि बस मुझे 10 मिनट का समय दे दे, मैं ये किताब ख़त्म करने वाला हूँ। तो भगत सिंह को पूछा कि तुम तो अभी थोड़ी देर में तुम्हें तो फांसी मिलने वाली है, तुम पढ़ करके क्या करोगे, तुम्हारे पढ़ने का क्या लाभ? तो वो कहते हैं कि मरने के डर से या मृत्यु के नाम से मैं अपनी जीवन शैली बदल थोड़ी लूंगा। चंद्रशेखर हैं जो कहते हैं कि मैं आज़ाद ही जन्मा था, आज़ाद ही रहा और आज़ाद ही मरूंगा, अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और यहाँ तक कि कुछ आप में से किसी को भी पूछा जाए तो शहीदों में से दर्जन भर शहीदों के नाम याद होंगे, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल, आज़ाद, इनके अलावा बहुत जल्दी किसी के नाम याद भी नहीं आते। सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता है, लेकिन क्या केवल ये दर्जन भर लोग होंगे जिनका नाम आपको याद है? केवल इतने ही शहीद थोड़ी हुए हैं, हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाखों लोगों ने अपना खून पसीना एक किया, अपने अपने सुविधा के क्षेत्र से, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, तब जाकर के भारत को स्वाधीनता मिली। इसी तरह से ब्रह्मवाणी का प्रकाश कराने के लिए भी उन ब्रह्म मुनियों ने वैसा ही समर्पण किया, उसी स्तर की कुर्बानी दी है। और कुर्बानी भी कैसे, जोश के साथ, उत्साह के साथ, रोध होकर के नहीं कि हमें मरने के लिए भेजा जा रहा है। जो रोने धोने वाले थे वो तो पहले ही भाग गए या छिप गए। ये तो औरंगजेब के दरबार में जाने से पहले भी, जहां से वापस लौटेंगे कि नहीं कुछ अता पता नहीं, लेकिन वहां जाने से पहले भी सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, क्या पता लौट के आए या ना आए। तो एक बार कम से कम श्री जी को हम अपने हाथों से भोजन कराना चाहते हैं। सुंदर साथ ने मिल करके रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत श्याम बाई राम राय कदमो लागे इन बखत। लालदास जी की बेटी और उनके जमाई हैं श्यामबाई और राम राय। ये भले ही औरंगजेब के दरबार में अंदर नहीं जाते, पर बाहर रह करके उन 12 सुंदर साथ का पूर्ण ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अनंत राम है, रामबाई है, लालबाई, श्यामबाई, ये 4 सुंदर साथ का नाम आता है उन 12 सुंदर साथ के अतिरिक्त। तो श्री जी को रिझाते हैं, कोई मिठाई लेके आता है, कोई अन्य सामग्री लेकर के आता है और श्री जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस प्रकार श्री जी को भोजन अरुगा करके, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करके कहते हैं कि श्री जी साहेब, अब आप एकांत स्थान में चले जाइए, आपका यहाँ पर रहना सुरक्षा के दृष्टि से उचित नहीं है, अब आप जाइए और हमारा काम देखिए कि हम क्या करते हैं। इस प्रकार श्री जी को एकांत स्थान में भेज दिया और दिल्ली में उन सब सुंदर साथ में बैठ करके विचार विमर्श किया। कहते हैं कि समर्पण किए बिना इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इस लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो समर्पण की आवश्यकता है। बिना आपा दिए और न लिया जाए, एही दिल में विचारिया और न कोई उपाय, ए आशिक इन भात के तन मन दिया वार, कुर्बानी एह सुनते ऊपर परवरदिगार। राज्य के चरणों में समर्पित होने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्योछावर कर दिया, और वो हर कोई नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया इन संग। अब उनमें एक लक्ष्मण दास अर्थात लालदास जी हैं, शेख बदल, कायम मुल्ला, जो कि
पैसे के कारण आए थे पहले अनुवाद कराने के लिए, लेकिन फिर भी श्री जी के स्वरूप की कुछ पहचान हुई थी। भीम भाई है, सोम जी भाई, नाग जी भाई, खिमाई भाई, दिल्ली से चंचल, गंगाराम, दयाराम, बनारसी, ठठानगर से चिंतामणि जी एक और हैं। इस प्रकार ये 12 सुंदर साथ हैं जो औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए तैयार हैं। वैसे तो सुंदर साथ की संख्या बहुत है, लेकिन कोई दृढ़ विश्वास वाला है, कोई ऐसा है जिसका विश्वास डावाडोल है। अब जिनका विश्वास थोड़ा सा भी हिला हुआ था वो तो औरंगजेब के दरबार में नहीं जा सकता। तो 12 सुंदर साथ जाते हैं और जाकर के सोचते हैं कि औरंगजेब तक कैसे जाया जाए। तो जुम्मा के दिन, शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाकर सनंद पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हमारी वाणी को सुनकर कोई ना कोई तो औरंगजेब तक हमारे बारे में बताएगा और औरंगजेब हमें अपने पास बुलाएगा। ये जाते हैं सनंद का गायन करने लगते हैं। मस्जिद का जो इमाम होता है, इमाम जो सबको नेतृत्व करके आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाता है, उसको इमाम कहते हैं। तो मस्जिद का जो इमाम था वो सुंदर साथ के मुख से सनंद की वाणी का जब गायन सुनता है तो उसको लगता है कि ये तो धर्म प्रेमी है, धर्म के अनुयायी है, इसीलिए वो आसमान की तरफ नजर करता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि ये खुदा इन पर रहम करना। फिर 12 सुंदर साथ कहते हैं कि हमें बादशाह से मिलना है, क्या आप मिला सकते हैं? इमाम कहता है कि मैं कोशिश करता हूं, मैं जा करके तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूं, तुम्हारी बात पहुंचाता हूं। अब क्योंकि औरंगजेब के दरबार में जाना था, इतने महीने से प्रयास कर रहे थे तो पता चल चुका था कि हिंदू वेशभूषा से औरंगजेब मिलने वाला नहीं है। अब इन्होंने वेश बदल लिया था, इन्होंने सूफी फकीरों वाला वेश धारण किया है और जाते हैं अंदर महल में उस इमाम के साथ। अंदर जाते हैं, औरंगजेब तक संदेश पहुंचाया जाता है कि इमाम आए हैं। औरंगजेब बाहर आता है, जिस चबूतरे पर वो खड़े होकर के सबसे बातें किया करता था उस ऊंचे स्थान पर एक हाथ में लाठी लेकर के, लाठी मतलब ऐसी लाठी नहीं जैसे राजदंड होता है शाही छड़ी, तो ऐसी छड़ी लेकर के वो आता है, खड़ा हो जाता है और इशारे में पूछता है कि क्यों आए हो। तो सुंदर साथ सनंद की वाणी सुनाते हैं जोर जोर से। अब सामान्य रूप में क्या होता है, बादशाह के पास कोई व्यक्ति क्यों आएगा अपनी फरियाद लेकर के, अपनी कोई ख्वाहिश लेकर के, लेकिन ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। औरंगजेब कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, कोई कुछ तो मांगो। सुंदर साथ कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए कि तुम हमारे साथ बैठ करके दीन के विषय में, धर्म के विषय में कोई बात करो, और वो भी ऐसी अवस्था में कि तुम्हारे और हमारे बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। अब उसने क्या किया, अपने उस छड़ी को लेकर के चूमता है 3 बार और फिर ब्रह्ममुनियों की तरफ देखता है। सुंदर साथ जोश में है, बोलते हैं कि हम ही वो लोग थे जिन्होंने गुसल खाने में वो चिट्ठी चिपकाई थी, रुक्का चिपकाया था, 5 दरबारियों पर चिट्ठी भेजने वाले भी हम ही थे जिनमें से शेख इस्लाम, शेख निजाम, आकिल खान, सिद्दीक पौलाद और रिजवी खान, इन सभी 5 दरबारियों पर चिट्ठी भी हम ही ने भेजी थी, जिसमें आकिल खान ने नहीं लिया था। लेकिन उनको चिट्ठी भेजने का कोई मतलब नहीं था, हम तो हमारी बात तुम तक पहुंचाना चाहते थे। अब वहां शेख सलेमान भी खड़ा था, सोच रहा था मेरी पोल न खुले, क्योंकि अगर इन्होंने बोल दिया कि मैं, हम लोग कई महीनों तक शेख सलेमान के पास भटकते रहे हैं तो मेरी खैर नहीं। सुल्तान पूछता है कि तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे तुम चर्चा करना चाहते हो? 12 मोमिन कहते हैं कि हमारे पास किताब है
पर हम लेकर के नहीं आए हैं, आप कहें तो हम मंगवा सकते हैं। फिर सुल्तान ने कहा कि कुछ और मांगो, दुनियावी चीज। तो सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं, हम केवल दीन की बात मांगते हैं, धर्म की बात मांगना चाहते हैं, और हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया की कोई बात हमें चाहिए ही नहीं। अब सुंदर साथ इतने जोश में बोलते हैं कि औरंगजेब डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि इससे पहले आज तक उसके दरबार में उसके सामने ऐसे जोश में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब कांप करके, निगाहें नीची करके बोलते थे। औरंगजेब जब दरबार में आता था तो पहले ही उसके जो संतरी होते थे, संतरी मतलब जो चौकीदार होते थे, वो जोर से आवाज लगाते थे, बा इज्जत, बा मुलाहिजा, होशियार, सबको सावधान किया जाता था, निगाहें नीची रखने का आदेश दिया जाता था, उसके तरफ नजर डाल करके कोई बात नहीं कर सकता था। और एक ये 12 सुंदर साथ हैं जो जोश में बोल रहे हैं और कहते हैं कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं। ये क्या है? ये एक तरह से चेतावनी था। औरंगजेब सोचता है कि ये कौन है जो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। अब सब लोग दूर खड़े कांप रहे हैं कि हमारी पोल न खुले। पांचों दरबारी सहित शेख सलेमान, अब उन्होंने सोचा कि ये 12 लोग अगर औरंगजेब के पास एकांत में बैठ करके बात करेंगे, और अगर औरंगजेब इन लोगों की बातों में आ गया तो शरीयत के बादशाहत के लिए, साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उन्होंने औरंगजेब के कान में चुपके से बोल दिया कि देखो, ये सब मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का वेश धारण किया है, इनमें से 10 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं। अब जैसे ये बात सुनी, औरंगजेब के मन में संशय घर कर गया कि अगर ये लोग सच्चे होते तो वेश बदल करके क्यों आए, जबकि वास्तविकता क्या थी? उन 12 सुंदर साथ को इन दरबारियों ने ही बोला था कि हिंदुओं के वेश में वो मिलेगा नहीं। फिर औरंगजेब ये भी सोचता है कि तब से आज दिन लो ऐसा सख्त न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल न कहू हो। सुल्तान के मुंह पर ऐसा कठोर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। अब जब औरंगजेब को इस तरह से चुपके से भड़काया गया कि हो सकता है ये लोग गुप्तचर हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे हिंदू राजा, जो विरोधी राजा है, उसने भेजा है, औरंगजेब सकी तो था ही, उसने सिद्दीक फौलाद जो उसका कोतवाल था उसको इशारा किया, इशारा करके कहा कि इन लोगों की बात सुनो, इन लोगों की जांच पड़ताल करो कि ये कौन है, इनकी खिदमत करो, खिदमत अर्थात सेवा करो, दिलगिर न होने पावही, मैं सौंपे तुमको इत। औरंगजेब कहता है कि इनको किसी भी तरह की तकलीफ न हो, ये मैंने तुम्हें सौंपा है। ऐसा कह करके औरंगजेब चला गया। अब औरंगजेब ने इशारा किसी और काम के लिए किया था, लेकिन सिद्दीक फौलाद क्या समझा कि ये तो जांच पड़ताल के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, अब राजनीति में सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता है। अगर राजनीति में ये कहा जाए कि इनकी सेवा की जाए, तो वो वास्तव में सेवा भी हो सकती है और या फिर पिटाई भी हो सकती है। सेवा का मतलब जैसे पूजा। तो इससे पहले भी औरंगजेब का इतिहास ऐसा ही था कि वो इशारों में ही अपने दुश्मनों को मरवाता था, इशारा करके, खुले में कुछ नहीं करता था, कुटिल था वो। तो उसके जो लोग थे वो भी वैसे ही थे। अब सिद्दीक फौलाद ने उन 12 सुंदर साथ को अपने किसी सेनापति के हवाले कर दिया। अब इस समय जो जो सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में गए थे, उनके घर वाले जो दिल्ली में रहने वाले थे, उनके मन में डर बैठ गया, क्योंकि बाकी सबको तो पता भी नहीं था, दूर दराज के लोगों तक तो ये बात नहीं पहुंची थी, लेकिन पास के लोगों को जो पता चला, उनको उनके मन में आया कि दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी, ये लोग तो मारे जाएंगे। दयाराम के घर वाले थोड़े अमीर थे और उस समय दास प्रथा थी, गुलामी की प्रथा थी। तो दयाराम के घर वाले कहते हैं कि दयाराम को छोड़ दिया जाए
हम उसके बदले किसी और आदमी को भेज देंगे पैसे में। तो यहाँ यहाँ की बातें होने लगी। अब कोतवाल ने उन बारह सुंदर साथ को खाने की बात पूछी कि आप लोग क्या खाएंगे, क्योंकि दो मुसलमान थे, 10 हिंदू थे। तो उसने कहा कि आप जो हिंदू हैं वो तो हो सकता है कि शाकाहारी खाएं, पर जो बाकी मुसलमान हैं वो क्या खाएंगे, मांस वगैरह कुछ खाना पसंद करेंगे? और बारह सुंदर साथ ने कहा कि हम एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसा शाकाहारी खाएंगे। अब इस तरह रात के समय में सुंदर साथ के साथ पूछताछ की गई। अब सोच सकते हैं कि औरंगजेब जैसा जो क्रूर है उसका जो कोतवाल है वो कैसा होगा, उन्होंने पूछताछ कैसे की होगी सुंदर साथ से। कई बार कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि 12 मोमिनों को यातना नहीं दी गई थी, सिर्फ पूछताछ हुई थी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कहा जाए कि 12 मोमिनों को पीटा गया था, यातना दी गई थी, आज के भाषा में कहे तो टॉर्चर किया गया था, तो शायद उन 12 मोमिनों की बेइज्जती होगी, ऐसा उनको लगता है। पर ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि इतना बड़ा समर्पण करने के बाद, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद यदि उन्होंने यातना सही है तो ये शर्म का विषय नहीं है। क्या हमारे देश में जिन जिन शहीदों ने यातना सही है उस पर हमें शर्म आती? हमें गर्व होता है कि हमने उन शहीदों के देश में जन्म लिया है। तो यातना सहन करना शर्म की बात नहीं है, यातना देना शर्म की बात है। और दूसरी बात, केवल पूछताछ की होती तो आगे एक प्रसंग आएगा कि जब 12 मोमिन काजी शेख इस्लाम से कहते हैं कि न हमने किसी का धन चुराया था, न हमने कोई अनैतिक काम किया था, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया? तो सुंदर साथ की हालत देख करके चौपाई श्री लालदास जी कहते हैं, सुन के काजी रोइया। केवल पूछताछ की होती तो उन सुंदर साथ की हालत देख करके काजी शेख इस्लाम, ऐसे व्यक्ति को रोना आना संभव नहीं था। और अगर ऐसे ही बात होती तो श्री जी उन पातियों में जो छोटी पत्री और बड़ी पत्री है उसमें ऐसे संबोधन नहीं करते। तो यातना तो हुई है और वो शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए गौरव है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे कुर्बानी करने वाले 12 मोमिन हैं। जहाँ कहीं भी समर्पण की बात आएगी तो वहाँ पर उन 12 सुंदर साथ का नाम गौरव के साथ लिया जाएगा। और आज संयोग भी कुछ ऐसा ही है कि आज कुर्बानी को, समर्पण को याद करने का दिन है। अब औरंगजेब के मन में तो शक डाल ही दिया गया था, तो वो मिलता नहीं है अभी। अगले दिन उन 12 सुंदर साथ को शेख इस्लाम के सामने प्रस्तुत किया जाता है। शेख इस्लाम के सामने जब बात होती है तो सुंदर साथ कहते हैं कि आज तक जितने पैगंबर हुए हैं क्या किसी ने ऐसा कहा है कि जो खुदा की बात करे, कुरान की बात करे, हदीसों की बात करे, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए? जो खुदाए और रसूल पर लियाया होए ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। यहां कसाला शब्द का प्रयोग किया है कि जो खुदा और रसूल की बातों पर विश्वास ले आए, क्या उस पर ऐसा कसाला देना, ऐसा कष्ट देना, क्या यही सिखाया है आपको? तो कहते हैं, सुन के काजी रोइया, हमारे पैगंबर कहियाना। काजी उस बात को सुन करके रोने लगता है। सुंदर साथ कहते हैं कि ना हम काहू का धन लिया, ना कछु किया छिनार, चोरी भी हम ना करी तो तुम ऐसा किया क्यों खार। ना हमने किसी का धन लिया, किसी का धन नहीं छीना, किसी की चोरी भी नहीं की, तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हमें औरंगजेब बादशाह सुल्तान से कोई बात नहीं करनी, ना उनके घर जाना है। हाँ, हम आपके साथ रहेंगे, अगर आपको कुरान की बात सुननी है, आपको हमारी बात सुननी है,
तो हम आपके पास रह करके बात करने को तैयार हैं। अब काजी शेख इस्लाम ने सुल्तान से अर्जी कराई, कहता है कि मैं इन 12 मोमिनों की खिदमत कराना चाहता हूँ। औरंगजेब ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम लेके जाओ, कुछ भी चाहिए तो तुम हमारे भंडार में से लेकर के दे देना। और उसी समय शेख इस्लाम उन 12 सुंदर साथ को लेके जाता है। अब क्योंकि उसको थोड़ा सा पछतावा तो होता है, इसलिए सुंदर साथ की आव भगत करने के लिए अच्छे अच्छे मेवा फल फूल इत्यादि खिलाता है। अब दूसरे दिन काजी शेख इस्लाम उन 12 सुंदर साथ को बुला करके बातें पूछने लगते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या कहने चाहते हैं का तात्पर्य, कयामत की जो बात आप कर रहे हैं तो उसके विषय में आप अच्छे से बात कर सकते हैं, खुल करके बताइए कि आपका विचार क्या है, आपके सिद्धांत क्या है। तब सुंदर साथ ने वहाँ पर चर्चा की। फिर अगले दिन शेख इस्लाम के भाई के घर में गए, वहाँ जाकर के भी सुंदर साथ ने चर्चा की। तीसरे दिन काजी के घर पुनः वापस आए। इस तरह से औरंगजेब के दरबार में ही रह करके सुंदर साथ अब औरंगजेब के ही दूसरे दूसरे दरबारियों को कुरान और इस्लाम की वास्तविकता बता रहे हैं कि जो तुम इस्लाम के नाम पर कर रहे हो, कुरान के नाम पर कर रहे हो, ये गलत है। एक दिन एक हदीस की किताब सुंदर साथ दिखाते हैं जिसमें विशेष रूप से परमधाम की बातें लिखी हुई थी। उसको देख करके काजी कहता है कि ये बात तो ऐसा लगता है इसको देख करके कि ये बात तुमने ही लिखी है, क्योंकि इसमें तो वही बात है जो तुम कहते हो। सुंदर साथ कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमारा काम नहीं है, मिलावटी काम हम नहीं करते, ये किताब तो हमने उर्दू बाजार से खरीदा है। आप तो इतने बुद्धिमान लगते हैं, आपको तो कम से कम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अब काजी के पास कहने को कुछ होता नहीं है, अपने घर में बैठ करके वो दो सनंद सुनता है, एक बिना एक मोहम्मद की और एक दोजख की सनंद। दोजख की सनंद में क्या है, दोजख का अर्थ होता है नरक, पर यहाँ नरक का तात्पर्य कोई जगह नहीं, नरक का तात्पर्य है प्रायश्चित। दोजख की अग्नि बोलते हैं ना, अपने किए का जो प्रायश्चित किया जाता है कि हमने गलती की है, उस प्रायश्चित को दोजख कहा जाता है। और उस ग्रंथ में, उस प्रकरण में यह वर्णित है कि क्या क्या करने पर या क्या न करने पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, इस तरह की बातें वो सुनता है। इस तरह नियमित रूप से अब औरंगजेब के जो दरबारी हैं वो उन सुंदर साथ से बातें करने लगते हैं। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन उन सुंदर साथ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि तुम कहते हो कि सच्चे मुसलमान तुम्हारी तरह होते हैं, लेकिन हमने तो तुम्हें कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। सुंदर साथ कहते हैं कि देखो, तुम लोग जिस तरह से नमाज पढ़ते हो ये तो तुम्हारी दुनिया की इच्छा के लिए है, दुनिया की ख्वाहिशों के लिए। हम हमारी सूरता हमेशा उस परब्रह्म में ही रहती है, इसलिए हमें अलग से तुम्हारी तरह बैठ करके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम्हारी तरह कान पकड़ करके घुटने टेक करके तो दुनिया के लिए दुआ की जाती है। कहते हैं कि जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए, तुम्हारी तरह नमाज तो उसको पढ़ना पड़ता है जो दुनिया का काम करता होगा, जिसको संसार की कोई इच्छा होगी। हमारी तो नमाज कभी टूटती नहीं है, अर्थात हम ध्यान दृष्टि से सूरता के द्वारा हमेशा उस परमात्मा से जुड़े रहते हैं। अब क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, वो एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार अब भिन्न भिन्न दरबारियों के पास जाते हैं, सभी बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि मिलाप भया इमाम सो ए बात बरहक, हम तो उम्मीदवार हैं तिन में ना ही सक। कि इमाम महदी आ चुके हैं ये बात सच है,
इस बात में कोई शक नहीं है। जिनको हिंदू धर्म ग्रंथों में विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया है वही आखरुलिमा मोहम्मद मेहदी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को तुम अभी छिपाए रखो, इस बात की चर्चा मत करो। जब वो खुद अपने आप जाहिर होंगे तो हम सभी उनके चरणों में आ जाएंगे, पर अभी तुम जाहिर नहीं कर सकते। इस तरह से सुंदर साथ को धमकाया जाता है। लालदास जी क्या कहते हैं, मोमिन तो गरीब हैं बकरी जेता बल, पढ़े बाघ जो बोलही ए सीधे निर्मल। अब जो सुंदर साथ हैं उनका संसारिक बल नहीं है, संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो तो बकरियों की तरह सीधे साधे हैं, और जो पढ़े लिखे दुनिया के चतुर लोग हैं वो बाघ की तरह गर्जना करते हैं, क्रूरता कठोरता दिखाते हैं। और सुंदर साथ कैसे हैं, सीधे साधे और निर्मल हैं। इस प्रकार ये काजी के घर की बात है। अब जब श्री जी ने उन ब्रह्म मुनियों की औरंगजेब से मुलाकात की खबर सुनी, कांजी भाई ने इस बात का संदेश पहुंचाया, तो श्री जी बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित क्यों? क्योंकि जिनके लिए कलश की वाणी में उन्होंने संबोधित किया, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। जो ये कहते हो कि अब दुख ना देऊं फूल पांखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन। जिन ब्रह्मात्माओं के लिए वो कहते हैं कि टेढ़े सुकन तुम्हें कहूं सो काट करूं जुबा दूर, जो ये कहते हो कि हक को काम और कछु नहीं देवे रूहो लाड लज्जत, अब वही अक्षरातीत अपनी प्रियतमा ब्रह्म सृष्टियों को किसी दूसरे के द्वारा सताया हुआ कैसे सहन कर सकते हैं, वो भी ऐसी अवस्था में जब धर्म का संदेश देने गए थे। तो श्री जी ने क्या कहा कि मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुना बैठा इनों पर कोई न बचावे इनका। मैंने अपने सुंदर साथ को अपना संदेश दे करके भेजा था और इन्होंने बहुत बड़ा गुना कर दिया, अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। पहले पुराने समय में भी अगर कोई राजा किसी दूत को भेजता था तो दूत को कोई व्यक्ति दंडित नहीं करता था, और विशेष रूप से ये कहा जाता था कि दूत अवध्य होता है, दूत को मारा नहीं जा सकता है। और दूत राजा का प्रतिनिधि होता था, दूत के साथ किया गया व्यवहार राजा के साथ किया गया व्यवहार माना जाता था। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, कि पैगंबर को मारना उनके दोस्तों को मारना एक जैसा है। इसलिए अब इन मुसलमानों पर मैं लानत भेज रहा हूं। श्री जी ने कहा कि अब ये दुनिया में नहीं टिकने वाले हैं, अब मुगलों का साम्राज्य समाप्त होने वाला है, आज से इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। और उसके बाद इतिहास में यह वर्णन आता है कि औरंगजेब एक दिन अपने सिंहासन पर, जिसका नाम है तख्त ए ताउस, उस सिंहासन पर बैठने जाता है तो उसको लगता है कि कोई शेर उसके सिंहासन पर बैठा हुआ उसे देख के घूर रहा है। वो अपने सिंहासन पर नहीं बैठता है। उसके दरबारी कहते हैं कि आप बैठ क्यों नहीं रहे, कहता है कि यहाँ पर एक शेर बैठा हुआ है। दरबारी कहते हैं कि हुजूर आपको भ्रम हो रहा है, कहता है कि नहीं यहाँ पे शेर है। सब लोग जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, औरंगजेब सिंहासन तक पहुँचता भी है, लेकिन वो जो शेर उसको दिख रहा है औरंगजेब की तरफ करके इतने जोर से घुर्राता है कि औरंगजेब लड़खड़ा के पीछे हटता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसको इतना डर बैठ जाता है कि वो कभी तख्ते ताउस पर बैठा ही नहीं। और वहां से इस दिन के बाद से, जब से उसने उन सुंदर साथ पर अत्याचार किया, उसके बाद औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो सिमटते रह गया। और मुगलों का साम्राज्य जो भारतवर्ष में
पूरे भारतवर्ष में बादशाहत करने का ख्वाब देखते थे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद औरंगजेब का अंत आते आते एक तरफ तो गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में और बाद में वीर बंदा बैरागी के नेतृत्व में पंजाब मुगलों के विरुद्ध खड़ा हो रहा था, बुंदेलखंड छत्रसाल जी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो रहा था और महाराष्ट्र तथा गुजरात की तरफ मराठाओं की सेना अपनी विजय यात्रा पर थी। छत्रपति शिवाजी ने जो लौ जलाई थी, धीरे धीरे बाद में पेशवाओं ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और औरंगजेब की मौत आते आते तो औरंगजेब का साम्राज्य या कहें कि मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली तक सिमट करके रह गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने उन सुंदर सात पर अत्याचार किया, इसलिए श्री जी ने कहा कि अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार अब श्री जी ने औरंगजेब के लिए ऐसे वचन तो कह दिए, लेकिन उन सुंदर साथ के लिए क्या किया? जो सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में गए थे उनको भी सांत्वना देना आवश्यक था, इसलिए श्री जी ने अब पत्री लिखी। पत्री अर्थात चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी चौपाई भले ही श्री लालदास जी के द्वारा लिखी गई है, पर इसमें जो भाव है वो श्री जी के भाव है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरी बीतक में एक प्रचारक के लिए धर्म के रास्ते पर समर्पित होने वाले सेवा करने वाले लोगों के लिए बड़ी पत्री का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इसमें श्री जी ने पूरा मार्गदर्शन दिया है, अपने हृदय का प्रेम भी व्यक्त किया है और साथ ही साथ सुंदर साथ को मार्गदर्शन भी किया है। उस पत्र को आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि जब शरीयत की मुसलमानों के साथ लड़ाई हो रही थी, ब्रह्म मुनियों पर कष्ट हुआ, तब हमारे हादी ने, हादी अर्थात सदगुरु हिदायत करने वाले, उन्होंने सुंदर साथ को सांत्वना देने हेतु, उन्हें ढाढ़स बधाने हेतु पत्र लिखा, जिसमें विध विध की सिखापन देकर के चिट्ठी लिखी, जिसमें अपने हाथ से दस्तखत करके उन्होंने भेजा, जिसकी नकल श्री लालदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब श्री जी क्या लिखते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। सुंदर साथ जी, आप मेरे प्राण के प्रीतम हैं। एक तरफ हम राज्य को प्राणनाथ कहते हैं, प्राणेश्वर प्राणवल्लभ कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे प्राणनाथ भी ब्रह्म सृष्टियों को प्राण रूपा कहती हैं। आनंद सागर ग्रंथ क्या कहता है? प्राण रूपा प्रिया सर्वा, तासाम नाथो अक्षरात परह, ते नासो ही नामना प्राणनाथो ख्यातः प्रियस्वरः। तो उन्हीं ब्रह्मात्मा को कहते हैं कि तुम भी मेरी प्राण स्वरूपा हो, आत्मा के आधार हो, आप मेरे जीव के जीवन हो, आप मेरे प्रेम में डूबे हुए, प्रेम में भीगे हुए सुंदर साथ हो। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सुरधीर, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। आपने तो सुंदर साथ के लिए क्या किया? एक रास्ते पर चल करके दिखाया कि आपके लिए, आगे आने वाले सुंदर साथ के लिए ये रास्ता उपयुक्त है। इस रास्ते पर अर्थात समर्पण के रास्ते पर ऐसा समर्पण किया कि जिस लोक लाज मर्यादा के बंधन ने पूरे विश्व को बांध रखा था, आपने उस लोक लाज मर्यादा के बंधन को भी काट दिया। जब आपने दिल से ये निर्णय लिया कि हम राज्य का संदेश पहुँचाने के लिए औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए मुसलमानों का वेश धारण करने के लिए भी तैयार हुए, तो उसी समय जिन लज्जा वैराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान, सब साथ का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। आप इतना समर्पण तब कर पाए जब आपको पूर्ण पहचान हुई थी। बिना पहचान के इतना बड़ा समर्पण कोई कर नहीं सकता है। आपोपा निशंक डारिया, मेरे साथ सब शोभा जोग। हे मेरे सुंदर साथ जी,
आप हर प्रकार की शोभा देने योग्य हैं, आपको हर प्रकार की शोभा मिलनी चाहिए। और आप जितने सुंदर साथ गए हैं सब एक दूसरे से बढ़कर हैं, कोई किसी से कम नहीं, किसी का समर्पण किसी से कम नहीं। चाहे लक्ष्मण जी, लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, नागजी भाई, चिंतामणि, दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी, खिमाई, अनंत राम, रामबाई, लालबाई, श्यामबाई, रामराय, ये सब कहते हैं तुम साचे सूर धीर, तुम सच्चे हो, सूर हो, सूर अर्थात वीर हो, और तुम में बहुत धैर्य है। हमारे अंदर धैर्य नहीं है। अभी साउंड सेटिंग चल रही थी ना, 15 मिनट में हमें अंदर से ऐसा लग रहा था, कुलबुलाहट सी हो रही थी कि कब ठीक होगा। 15 मिनट तक खाली बैठे हैं, सबके मन में हो रहा था, धैर्य नहीं है हमें। और ये सुंदर साथ सोचे कि चिट्ठी भेजते हैं तो दो दो महीने तक पीछे लगे रहते हैं, होता है कि नहीं होता है, और हमसे नहीं होता है धैर्य। धैर्य बहुत बड़ी संपदा है। धैर्य तो एक ऐसी संपदा है, सोचिए कि जिसके बराबर और कुछ हो ही नहीं सकता है। चाणक्य क्या कहते हैं, देखिए, समय जो है वो हर घाव को भर देता है, कैसा भी गहरा भाव हो, पर उस घाव को भरने के लिए भी तो धैर्य चाहिए होता है ना। आप आजकल देखते हैं कहीं कहीं पर हॉस्पिटल में या फिर दुकान में, वहां पर लिखा रहता है कि कृपया धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि समय मिलने के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। आज के लोगों में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। पहले पहले आज से लगभग 8-10 साल पहले तक कंप्यूटर भी ऐसे आते थे कि राइट क्लिक करके 2 रोटी खाने के बाद में वहां पर ऑप्शन दिखता था, तब भी काम चल रहा था। और आज तुरंत सोचिए कि 2G की स्पीड में भी लोग काम करते थे, आज 5G भी धीमे लगता है। तो सोचिए कि धैर्य कितना है हम में। लेकिन उन 12 ब्रह्म मुनि जो गए थे, उनके लिए श्री जी कहते हैं कि तुम सच्चे सूर धीर हो। और कहते हैं वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग, तुम राज्य के चरणों की छत्र छाया में आप आरोग्य अर्थात तो स्वस्थ रहना, सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम। सुख समाधान पूछने के लिए, आनंद मंगल के लिए हमने ये पाती लिखी है। आप पर सदा सर्वदा राज्य की दृष्टि है, मेहर भरी कृपा दृष्टि है, इसलिए आप सदा शांत रहना। धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है वो सब तो घटित होने वाली ही है, इसीलिए सांत्वना देने के लिए मैं इंद्रावती की आत्मा आपको करोड़ों बार प्रणाम करते हुए ये पत्र लिख रही हूँ कि इंद्रावती की वासना में लिखी प्रणाम कोटान कोट, अविधार्यो तिनको लीजो धनी की ओट। अभी तो हम अलग हैं, इसलिए पत्र के माध्यम से व्यवहार करना पड़ रहा है, पर कुछ समय के बाद हम इकट्ठे होंगे। जब राज्य की दया से मिल भेला होएगा साथ, तब सुख समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ। जब इकट्ठा होंगे तब तो हम प्रत्यक्ष पूछ लेंगे अभी हमने चिट्ठी भेजी है, और आपने ये जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम किया है कि आज दिन तक इससे बड़ा काम किसी ने किया ही नहीं होगा। सोचिए श्री जी किस प्रेम से प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं। श्री जी ने वही रास्ता दिखाया है जो एक सच्चे गुरु को, सच्चे सदगुरु को दिखाना चाहिए। इतना बड़ा काम करने के बाद, प्रशंसा करने के बाद भी कहते हैं तुम सूर धीर पना किया, सो तुम जिन जानो किया हम। आपने जो समर्पण किया वो ये मत सोचना कि आपने किया है। ए हके शोभा दई तुमको, ए होए न बिना हुकम। ये तो राज्जी ने आपको शोभा दी है। राज्जी के हुकम के बिना कोई ऐसा समर्पण कर ही नहीं सकता है, इसलिए इसकी शोभा आप अपने ऊपर मत लेना। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भाष्य न तुम्हारे मन। अब साथ में क्या कहते हैं, अपने ऊपर अहंकार भी मत लेना, लेकिन ये जो काम तुमने किया है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है। ये तो ब्रह्म मुनियों के मन में ही ऐसी विनम्रता हो सकती है कि बड़े से बड़ा काम करके भी उसका अहम ना लें, वरना काम कितना बड़ा है। कहते हैं एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम। औरंगजेब का नाम लेने में भी डरते थे लोग,
इमाम मेहदी के जाहिर होने की बात तो बहुत दूर की बात है। सब सोचते थे कि औरंगजेब हमारी गर्दन काट देगा। सोचे कि हम खुद भी तो छिप छिप करके रह रहे थे, लेकिन आप तो इनके जैसे होकर के इनके दरबार में प्रवेश करके और वहीं पर इमाम मेहदी का सच्चा परिचय दे रहे हो। अब कहते हैं, अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, आपने जो कुर्बानी की है इस कारण आपकी महिमा प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आपका तेज प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और दज्जाल की जो कला है वो प्रतिदिन पल पल घटती जाएगी और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से समाप्त होगी। क्योंकि दज्जाल क्या है? दज्जाल की कितनी आंखें हैं? एक आंख, इसलिए तो उसको काना कहा गया है। दज्जाल के पास एक ही आंख है, अर्थात वो केवल बाहर से देख सकता है। वो ये देख सकता है कि अच्छा ये तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, फिर भी कुरान की बात क्यों करते हैं? बाहर से देखेंगे, ये सोचेंगे कि ये देखो हिंदू तन में होकर के बात करते हैं, केवल बाहरी दृष्टि से देखेंगे, इसलिए ये दज्जाल है। इनके पास एक ही आंख है और कहते हैं कि राज जी ने आपको, तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दिए अनंत। आपको तो राज जी ने ज्ञान की, जागृत बुद्धि के ज्ञान की अनंत दृष्टि दी है और दज्जाल के पास तो एक ही आंख है। सोचिए कि जिसकी अनेक आंख हो और जिसकी एक आंख हो, लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? इसलिए दज्जाल का अंत होना अब निश्चित है। लेकिन ये दज्जाल कैसा है? ये सुअर की तरह हमला करता है। कैसा सुअर? जंगली सुअर। जंगली सुअर क्या करता है पता आपको? कहते हैं कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है और गर्दन, उसमें जोड़ नहीं होती। जैसे हम लोग देख सकते हैं ना, इधर उधर घुमा सकते हैं, जंगली सुअर नहीं घुमा सकता। तो जंगली सुअर सीधे दौड़ता है बहुत तेजी से, अगर सामने कुछ आ गया तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर आपने वो पहली चोट बचा ली तो उसके पीठ पर अगर वार किया पहले चोट को बचा करके, तो वो मर जाएगा। इसी तरह से ये जो जाहिरी मुसलमान है, ये भी एक तरफा सीधे दौड़ते हैं, इधर उधर नहीं देख सकते। इसीलिए पहले आपको भी सीधे लड़ाई नहीं करनी है, आपको आराम आराम से प्यार से बात करनी है। पहले इन्हीं के जैसा हो करके इन्हीं की बात करनी है। जैसे कहते हैं, जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। इनकी बात पहले सुननी है और धीरे धीरे करके उनको कुरान की वास्तविकता बताती जानी है। और व्यवहार कैसे करना है? कहते हैं कि जिस प्रकार एक दास होता है, वो मालिक की सारी बातें सुनता है, तुम्हें भी सारी बात सुननी है, लेकिन उसके बाद फिर अपनी बात धीरे से रखनी है। क्योंकि तुम सीधे विरोध करोगे, ये विरोध तो नहीं झेलेंगे, क्योंकि उनमें वो क्षमता ही नहीं है, जंगली सुअर की तरह हमला कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, पीछे तो तुम बुधवान हो, खिजमत कई भांत दिखाइयो रंग, वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग। कहते हैं कि पहले इनकी सेवा करो, इनकी बात सुनो, लेकिन जब वक्त आए तो शब्द भी कैसे घुमा फिरा कर नहीं कहना, स्पष्ट कहना है, सत्य कहना है। और अगर ये औरंगजेब तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहता है तो उतना मांगना जितने में तुम्हारा गुजारा हो सके। कितना मांगना? कहते हैं खाने को पेट माफक, पेट भरने लायक खाना मांगना। और पढ़ने के लिए कहते हैं कि अगर तुम्हें कुरान में से कुछ सीखना है तो मुल्ला मांगना कि वो कुरान पढ़ा दे। और धर्म ग्रंथ जो रखे रहते हैं तो पुस्तकालय और संग्रहालय से धर्म ग्रंथ मांग लेना। इसके अलावा और कोई भी लौकिक चीज मत मांगना। और कहते हैं कि और कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नई सोहबत, भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे। जो बचकानी बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो बचपना करते हैं, ऐसे लोगों से संगति नहीं करनी। जो पल भर में खुश होते हैं, पल भर में गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे जो बचपना करने वाले बुद्धि है, उनके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना। और जैसे मैंने तुम्हें राज्य पर पूर्ण विश्वास दिलाया है, वैसे ही तुम उनको विश्वास दिलाना।
और बाद में कहते हैं कि हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, तब भी हम यही गया पर वो बात न सुने। आप लोगों ने पहले शेख सलेमान से भेंट की थी लेकिन शेख सलेमान ने मुलाकात नहीं की। वेशभूषा बदलने की बात की और आप वेशभूषा बदल के वहां पर गए। गए तो क्या हुआ, शुरू में विरोध हुआ, अब आपकी बात सुनने लग गए हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार एक अपने बच्चे को बुलाया जाता है, स्वयं के बच्चे को, आपको उन लोगों के साथ भी वैसा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। प्रेम से बात करनी है, क्रोध में कोई बात नहीं करनी, और जब समय आए तो स्पष्ट कहना है। ये हर प्रचारक के लिए सिखापन है। देखिए, पहली बात ये कि धैर्य रखना, दूसरी बात कि सदा राज्य के चरणों में दृढ़ विश्वास रखना, उन 12 मोमिनों की तरह समर्पण की भावना रखना, और चौथा जहां जैसी परिस्थितियों उस परिस्थिति के अनुरूप पहले सामने वाले की बात सुनना, और फिर जहां मौका मिले, जैसे श्री जी ने हरिजी व्यास के साथ किया था, जैसे श्री जी ने चिंतामणि जी के साथ किया था, उसी तरह से पहले सामने वाले की बात सुननी और फिर बाद में अपनी बात रखनी है। फिर श्री जी कहते हैं कि देखो, तुम्हें उन मुसलमानों को ये बात भी समझाने की आवश्यकता है कि जो तुम्हारा इस्लाम है वो वास्तविक इस्लाम नहीं है। एक तारिक फतेह साहब थे पाकिस्तान के, कनाडा में रहते थे, अब तो उनकी मृत्यु हो गई। वो कहते थे कि दो तरह का इस्लाम होता है, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। मुल्ला का इस्लाम क्या है, जो आज के मुसलमान मानते हैं, तीन तलाक से लेकर के विवाह जो अलग अलग प्रकार के हैं, या नमाज से लेकर के विभिन्न प्रकार के जो फतवे होते हैं, जो जिसको वो लोग सरे का या सरिया का कानून बोलते हैं, ये मुल्ला का इस्लाम है, ये कुरान में नहीं है। हाँ, उन लोगों ने कुरान के अर्थ का अनर्थ करके ऐसा अर्थ किया है। और अल्लाह का इस्लाम क्या है, अल्लाह का इस्लाम है, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति का मार्ग, तो ऐसा मार्ग जो शांति फैलाए, न कि आतंकवाद। और ये बात श्री जी ने उस समय उन सुंदर साथ के हृदय में भर दिया था। तब जा करके श्री जी कहते हैं कि देखो, तुम्हें मुसलमानों को समझाना होगा कि तुम दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाते हो, क्या इससे वास्तव में धर्म का कल्याण होता है? अगर कोई जबरदस्ती बन भी गया तलवार के बल पर, तो क्या उनके मन में विश्वास होगा? क्या उनके मन में कुरान या रसूल या खुदा के प्रति भरोसा होगा? इस तरह से तुम्हें समझाने की आवश्यकता है, और एक साथ बहुत ज्यादा नहीं समझाना, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा। कहते हैं, और बहुत कह के मता न जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम। थोड़ा थोड़ा कहना, धीरे धीरे। और दूसरी बात कि तुम वहां पर वेशभूषा बदल करके गए हो, तो इस बात का तुम्हें शर्म नहीं होना चाहिए कि हमने तो वेशभूषा बदल ली, अब शायद हम नीचे हो गए, हम नीची जाति में आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, वेद वेदांत के जो तीनों कांड है, कर्म उपासना और ज्ञान, उसमें क्या कहा है, शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के पुराणों में क्या बातें लिखी है, तुम्हें ये सारी बातें पता है। यदि कोई हिंदू दरबारी तुम्हें मिले और तुम्हें तुम्हारी वेशभूषा के बारे में ताना दे, तो तुम उन्हें भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना, क्या कहना, नबी नारायण की सनंद मारियो मुंह पर, तब होवेंगे शर्मिंदे, तुम करो चर्चा यों कर। तुम उन्हें नबी और नारायण की सनंद सुनाना। तुमने जो किया है उसके बारे में बिल्कुल भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। आपको क्या करना है, कहते हैं, तुम सिर ऊंचो देखियो जिन नीचा देखो तुम, जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते को। आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है,
आपने तो सिर ऊंचा करने का काम किया है। कहते हैं कि आपके काम के कारण गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न सके लगार। माया जिसको गोविंद भेड़ा कहा जाता है, गोविंद भेड़ा कैसा? एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि कोई गोविंद पटेल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो मरा तो प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में जाकर के उसने प्रेतों की एक मंडली बनाई और मंडली बना करके उसने एक ऐसा बाजार बनाया, ऐसा मेला बनाया। कहते हैं कि वहां से जो भी गुजरता था तो उसके मन में होता था कि देखो ये सामान ले लूं, ये भी ले लूं। जैसे आजकल होता है ना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, सिटी सेंटर जैसे में, मुझे लगता है ये गोविंद मंडली है, गोविंद भेड़े की मंडली है। क्यों लगता है? क्योंकि देखो आप जाओगे वहां पर अच्छे अच्छे ब्रांड के बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है, गैजेट से लेकर के स्पोर्ट की चीजों से लेकर के कपड़े से लेकर के खिलौने से लेकर के ऐसी चीजें मिलती है। उसको देख करके सामान्य व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा होती है कि इनमें से ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। पैसा होगा तो खरीद ही लेगा, नहीं होगा तो खुद के मन को मारेगा, कहेगा कि नहीं इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, वरना लालच तो सबके मन में आता ही है। तो इस तरह की मंडली उसने तैयार की और उसमें ऐसा उसने जाल बिछाया कि कोई भी व्यक्ति उस मेले में कोई भी सामान छूता था तो वो भी प्रेत बन जाता था। तो कहते हैं कि तीन साधु वहां से गुजर रहे थे। जो सबसे आगे वाला साधु था वो बिना इधर उधर देखे मेले में सीधे निकल गया। उसके पीछे पीछे दूसरे नंबर का जो साधु था बीच वाला, वो भी सामने वाले साधु को देख करके जैसे तैसे करके निकल गया। जो सबसे पीछे वाला साधु था वो भी निकल ही रहा था। निकलते निकलते उसने सोचा अब अंतिम दुकान बाकी है। अंतिम दुकान में एक कोई चद्दर है, शॉल है, जो उसे बहुत अच्छी लगी। उसको लगा कि बस अब तो पार हो ही गए हैं, बस कपड़ा लेके भाग जाऊंगा। जैसे ही उसने कपड़े को स्पर्श किया वो भी उस प्रेत मंडली में शामिल हो गया। कहते हैं कि ये संसार ये गोविंद मंडली है जिसमें ब्रह्म सृष्टि पहली साधु है जो माया को देखेगी ही नहीं और पार कर लेगी। ईश्वर सृष्टि वो दूसरी साधु है जो ब्रह्म सृष्टियों के चरणों के पद चिन्हों पर चल करके वो भी माया से पार पाएगी, लेकिन जीव सृष्टि उसको माया से पार हो पाना बहुत मुश्किल है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये लोभ लालच बना रहेगा तो वो साधु फंस जाता है। सोचिए कि वो गोविंद भेड़े की मंडली जो इतने बड़े बड़े साधुओं को फंसाता रहा है, अब तारतम ज्ञान के दुनिया में जाहिर होने के बाद श्री जी कहते हैं कि एक 5 बरस को बालक ए ताए न सके मार। अब एक 5 वर्ष के बच्चे को भी मारने की क्षमता उस मंडली में नहीं है, और आप तो 5 वर्ष के बच्चे नहीं हो, तुम साथी सिरोमण एक दूजे थे सिरदार। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करें हके पहले किए खबरदार। राज जी ने आपको पहले ही सावधान कर दिया है, इसलिए आपको ये माया अब कुछ नहीं कर सकती। और वो भी एक बच्चे की बात नहीं है, आप तो एक व्यक्ति नहीं हो, आप तो 12 हो। कहते हैं अब तुम तो जने 12 हो और भागे तुम सो अब ही आन मिलत है सब एक होए तुम मो। तुम तो 12 सुंदर साथ हो और ये गोविंद भेड़े की मंडली अब तुमसे भागेगी और तुम्हारे द्वारा बाकी सब सुंदर साथ आकर के मिलेंगे। कहते हैं अब तो तुम 12 हो, तुम मिलसी 12,000। अभी तुम 12 लोग हो और बाद में आपके समर्पण और उस समर्पण के राह पर चल करके 12,000 सुंदर साथ की ही जागनी होगी और सभी जिन जिन की जागनी होगी वो सब आपके हुक्म के अधीन होंगे। आपके हुक्म के अधीन होने का तात्पर्य आपका सदा सर्वदा सम्मान करेंगे। आज सोचिए इस घटना को घटित हुए लगभग 370 वर्ष के आसपास हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ष बीतक की चर्चा होती है और हर बीतक की चर्चा में जब भी ये प्रसंग आता है हम सब सम्मान पूर्वक उन ब्रह्मात्माओं को याद करते हैं।
तो ये उनके समर्पण का फल है। कहते हैं, तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, जो बानी इश्क देखेंगे ये तरफ परवरदिगार। अब ये संसार के लोग आपको धन्य धन्य कहेंगे, और यही नहीं, गांव गांव, देश देश, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आपने इतना बड़ा समर्पण किया है कि जिनको भी धर्म की वास्तविक परिभाषा का पता चलेगा, वे सब कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान, वो सब आपके चरणों की वंदना करेंगे। कहते हैं कि आपके मन में ये बात घर कर गई होगी कि औरंगजेब ने हमारी बात को नहीं सुना। कहते हैं उसका कारण है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक तो उसको ऊपर की नजर है, दज्जाल की नजर होती है ना, ऊपरी नजर है, जो केवल बाह्य वेशभूषा से देख रहा था। उसके कान में किसी ने भर दिया कि 10 लोग हिंदू हैं, तुरंत उसकी बाहरी नजर एक्टिवेट हो गई। और कहते हैं, एक तो नजर ऊपर की, दूजी बातून की न पहचान, कुरान के जो गुह्य रहस्य हैं उनका भी उसे पता नहीं था, इसलिए औरंगजेब आपकी बात नहीं सुन पाया। और दूसरी बात कि ये जितने मुसलमान हैं ये कयामत के निशानों का बाहरी अर्थ समझते हैं, आंतरिक अर्थ नहीं समझते। कल हमने कयामत के निशान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा सुनी कि दाबतुल अर्ज कैसा जानवर है, जिसके सुअर की जैसी आंखें हैं, मुर्गे की जैसी गर्दन है, पहाड़ी बैल के जैसे सींग हैं, हाथी के जैसे कान है, शेर की जैसी छाती है, गिदड़ की जैसी पीठ है। इसी तरह से काना दज्जाल कहते हैं गधे पर सवार होगा, और वो गधा इतना ऊंचा होगा कि 7 समंदर का पानी उसके घुटने घुटने तक आएगा। कहते हैं कि मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं, गर्दन घुमाते ना इधर उधर, उसका कारण क्या है, वो देख रहे हैं कि कहीं दज्जाल तो नहीं आ रहा। इसी तरह से वो इस बात को भी जाहिरी रूप में लेते हैं कि कयामत के समय में कब्र से मुर्दे उठेंगे, इसलिए बीच बीच में जाकर के वो अपने जो पूर्वज हैं उनको देखते रहते हैं कि कहीं ये उठ जाए तो पता चले कि कयामत आया है। इस तरह से ये जाहिरी अर्थ लेते हैं। श्री जी क्या कहते हैं कि ये जो जाहिरी मुसलमान हैं, ये इमाम मेहदी का, ईसा रूह अल्लाह का आना बाहरी रूप में ही समझते हैं। कुरान में ये बात कही गई है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो वो तलवार से लड़ेंगे, और ऐसे तलवार से लड़ेंगे, कहते हैं कि एक एक जो मोमिन होगा वो 70,000 काफिरों को मारेगा। यहाँ काफिर क्या है? काफिर जो है वो कुफ्र से बना है। कुफ्र का अर्थ होता है अज्ञानता, बेईमानी। हर मनुष्य के अंदर अज्ञानता है, और ये 70,000 काफिर को मारना क्या है, मनुष्य के अंदर कहते हैं 70,000 नस नाड़ियां होती है, और हमारी सभी नस नाड़ियां संसारिक विषय वासनाओं से भरी हुई है, जिसको ज्ञान रूपी विवेक रूपी तलवार से समाप्त करना है। ये है काफिरों को मारना। और मुसलमान क्या सोचता है कि हिंदू या फिर जो मुस्लिम नहीं है वो सब काफिर हैं और उनको मार डालना है। ये जाहिरी रूप में अर्थ लेते हैं, और वो कहते हैं कि लोहू सब वैराट में होए जाएगा सब, हाथियों के खरियान ये जुद होगे जब। जब इमाम मेहदी और इसारू अल्लाह लड़ेंगे काफिरों से, तो कहते हैं एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेगा, और पूरी दुनिया में लहू लुहान होएगा, और हाथियों के खरियान मतलब हाथी जो है वो समूह के समूह में मरे होंगे। इसका भाव क्या है कि जब परमधाम का ज्ञान अवतरित होगा तो बड़े बड़े हाथी जैसे, अर्थात जो विभिन्न संप्रदायों के आचार्य कहलाते हैं, ऐसे बड़े बड़े हाथी जैसे गरिमा रखने वाले जो आचार्य हैं वो भी उस ज्ञान के सामने परास्त होंगे। इस तरह से ये लोग जाहिरी अर्थ लेते हैं, इसलिए औरंगजेब आपकी बात को नहीं समझ पाया। और दूसरी बात कि मुझे ये लोग जाहिरी रूप में देखते हैं कि जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, ये मेरे अंदर की शक्ति को पहचानते नहीं हैं, ये मुझे भी अन्य आदमियों के तरह ही देखते हैं, तो जब मेरे शरीर को देखेंगे तो फिर उनको ईमान कैसे आएगा। इसीलिए अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जैसा काम पर गए हो
तैसा ही दिखाइयो बल, ना तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल। काम कैसा है, बल भी वैसा ही दिखाना पड़ता है। यदि हमने जागनी का इतना बड़ा जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, यदि हमने इतना बड़ा दावा लिया है कि मुक्तदेशी ब्रह्मांड को, या मोहे दिल में ऐसा आया ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो इतने बड़े काम के साथ में बल भी तो वैसा दिखाना पड़ेगा ना, वरना काम कैसा होगा। एक कहावत कही जाती है ना कि आँख के अंधे और नाम नयन सुख। हमारी बातें कुछ ऐसी ही है, काम हमारा चवन्नी भर का नहीं है और बातें हमारी कैसी है, करोड़पतियों वाली। हमने अपने क्षेत्र में भी जागरी नहीं की है, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ पर हमारे समाज में बड़े बड़े पुरियाँ हैं, मंदिर है, करोड़ों के मंदिर बने हुए हैं, उसी मंदिर वाले मोहल्ले में भी कोई प्राणनाथ जी को नहीं जानता होगा, और जानता भी होगा तो वो संत कवि महापुरुष के रूप में जानता होगा। हमारे ज्ञानपीठ के आसपास भी नहीं जानते। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो सिखापन श्री जी ने उन 12 मोमिनों के दिया था, उसे आने वाली पीढ़ी ने आत्मसात नहीं किया कि जैसा काम पर गए हो तैसा ही दिखाइयो बल। जब हमारा ये भाव है, हमारा ये दावा है कि पूरे ब्रह्मांड में जागनी करनी है, सुख शीतल करो संसार करना है, तो फिर काम भी तो वैसा होना चाहिए, बल भी वैसा होना चाहिए, समर्पण भी वैसा होना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेवा करने वाले सुंदर साथ के लिए बड़ी पाती से अधिक सिखापन और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। श्री जी कहते हैं, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाय, और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए। मैं आपके सिर पर एक पैर से खड़ा हूँ। एक पैर से खड़ा होने का भाव क्या है? जैसे पूरी सावधानी में रहना, सजग रहना। पहली बात तो ये कि खड़ा होने में ही सावधानी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि दो पैर में खड़ा होने में कहीं ना कहीं आराम हो। एक पैर में खड़ा होने का तात्पर्य पूरी सजगता के साथ, पूरे होशो हवास में। श्री जी कहते हैं कि मैं एक पैर पे खड़ा हूँ तुम पर कृपा करने के लिए, और साथ में कहते हैं, और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए। आपने वेशभूषा तो मुसलमानों का धारण किया है, बाध्यता में आपको करना पड़ा है, लेकिन अपने अंदर का जो हिंदुत्व है उसको आप बनाए रखना, उसको आप बचाए रखना। कई बार सुंदर साथ में इस बात को लेकर के भी चर्चा परिचर्चा चलती रहती है कि ये कुछ त्यौहार है, त्यौहार वगैरह नहीं मनाना चाहिए, हिंदुत्ववादी काम नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ सुंदर साथ हैं जिनमें ये कट्टरता है। वास्तव में श्री जी ने तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए। जो हिंदुत्व वेदों में है, दर्शन में है, उपनिषद में है, वेदों की 1127 शाखाओं में है, गीता में है, वो हिंदुत्व वास्तव में धर्म है, वो वास्तव में सनातन है। मैं पौराणिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पौराणिकता को हिंदुत्व नहीं कहता, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो त्योहारें मनाई जाती है उन सब के पीछे कारण है। हाँ, प्राणनाथ ज्ञानपीठ और यहाँ से जो विचारधारा प्रचारित होती है, हमारा भाव ये रहता है कि जो त्योहारें मनाई जाती है उसे मनाया जाए, पर उसके वास्तविक स्वरूप में मनाया जाए, उसके कारण को जान करके मनाया जाए। विकृत रूप में मनाना भी गलत है और मनाना छोड़ना भी गलत है। अगर आप ये कहें कि जो त्योहार मनाया जाता है वो तो देवी देवताओं के हैं और हमारा धर्म जो है वो पतिव्रता साधन है, इसलिए हमें त्योहार नहीं मनाना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है कि आपको त्योहार मनाने का कारण नहीं पता है। कहते हैं, अल्प ज्ञानी भयंकरी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ये अल्प ज्ञान का दुष्प्रभाव है। देखिए, जैसे दशहरा मनाया जाता है, दशहरा को कहते हैं विजयादशमी, और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं
कि भारतवर्ष में जितने लोग दशहरा मनाते हैं उसमें से 99% लोगों को दशहरा मनाने का कारण ही नहीं पता है। उनको पूछा जाए कि कारण क्या है तो कहते हैं कि आज के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था इसलिए उसको विजयादशमी बोलते हैं, लेकिन उस समय तो लड़ाई हुई नहीं थी। देखिए आपको एक बात पता है कि राम को जिस दिन गादी पर बैठना था, राजा बनना था, उसी दिन उनको वनवास जाना पड़ा, पता है ना? वनवास कितने दिन का हुआ था? 14 वर्ष का हुआ था। और ये भी पता है कि राम झूठ नहीं बोल सकते, हम कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका मतलब राम अगर 14 वर्ष का वनवास पालन करेंगे तो किस दिन वापस पहुंचेंगे? हाँ जी, जिस दिन निकले उसी दिन 14 वर्ष पूरा होता है ना, ठीक है। और किसी तरह से थोड़ा विलंब होने की संभावना रहती है, किसी तरह से, तब भी विलंब नहीं कर सकते क्योंकि भरत ने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी राम के आने में विलंब हुआ तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए राम विलंब नहीं कर सकते आने में, और जल्दी भी नहीं आ सकते। तो इसलिए जिस दिन राम अयोध्या से निकले हैं उसी दिन 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आना था। और अयोध्या से किस दिन निकले थे? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनको राजा बनाना था। चैत्र महीना पड़ता है मार्च में, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी का महीना तो पता ही होगा आपको, और पता नहीं होगा तो थोड़ा पढ़ लीजिए। तो चैत्र महीना पड़ता है मार्च में, मार्च में निकले हैं तो वापस कब आएंगे? मार्च में ही आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ये बात कही जाती है कि दीपावली के दिन राम वापस आए थे, अयोध्या वालों ने दिए जला करके स्वागत किए थे, फिर तो वो भी गलत है कि नहीं? तो दोनों कारण गलत है। अब देखिए, दीपावली का मैंने पहले बता दिया, दशहरे का साथ में बताता हूं। अगर ये कहा जाए कि विजयादशमी के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया, तो सुनिए पहले कि राम और रावण का युद्ध कब हुआ था। बारिश का महीना जब प्रारंभ होता है तो उसको चतुर्मास कहा जाता है, पता है आपको? 4 महीने का वर्षा का मौसम होता है, उसमें वो 4 महीने कौन कौन से हैं? आषाढ़, सावन, भादो और आसुज। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, ये 4 महीने बारिश के माने जाते हैं क्योंकि जून से बारिश शुरू हो जाती है। बाली को जब मारा गया, बाली को मारने के बाद सुग्रीव को राज्य अभिषेक किया जाता है और उसके बाद बारिश प्रारंभ होती है, वर्षा प्रारंभ होती है। तो अब वर्षा में तो क्योंकि जंगल में ढूंढना था, जंगल जंगल अलग अलग नदी नालों को पार करके जाना था, इसलिए उस समय ढूंढना संभव नहीं था। तो राम ने कहा सुग्रीव को कि चतुर्मास के बीतने के बाद हम सीता माता का खोज प्रारंभ करेंगे। अब आसोज का महीना, मतलब सितंबर का महीना भी पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि सुग्रीव राजा बना है, वो अपने भोग विलास में व्यस्त हो गया। कार्तिक का महीना आता है तब तक भी सुग्रीव कोई खोज का कोई बात ही नहीं करता, तो लक्ष्मण जाकर के सुग्रीव को धमकाते हैं और कहते हैं कि जिस रास्ते से तुम्हारा भाई गया है अभी वो दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तुझे भी उसी दरवाजे से भेज देंगे, वो धमकाते हैं। खैर, तो कार्तिक महीना जब प्रारंभ होता है अक्टूबर के आसपास, अब सीता माता की खोज प्रारंभ होती है, और उसमें भी 1 महीने का समय लगता है जब अलग अलग जगहों पर ढूंढते हैं। खोजते खोजते उन्हें जटायु के द्वारा पता चलता है कि एक राक्षस रावण नाम का यहां से लगभग 100 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक टापू है, उस तरफ लेकर के गया था। उसके बाद में राम तक ये खबर पहुंचाई जाती है। फिर पहुंचते हैं समुद्र के किनारे रामेश्वरम के तरफ, वहां से पुल बनाने का कार्य प्रारंभ होता है, और उसके बाद फिर युद्ध चलता है। तो युद्ध प्रारंभ होता है फाल्गुन के महीने में,
फाल्गुन होता है फेब्रुवरी और मार्च में, आधा फेब्रुवरी और आधा मार्च पड़ता है, तो फाल्गुन में युद्ध प्रारंभ होता है और रावण जो है वो युद्ध के अंतिम दिन मारा जाता है। अब सोचिए कि फेब्रुवरी मार्च के आसपास युद्ध हुआ तो विजयादशमी का जो समय बताया जाता है वो समय गलत है। तो कारण पता नहीं है लोगों को। हाँ, कारण क्या है दशहरा मनाने का, वो ये है कि पहले के समय में राम ने तो बारिश के बाद युद्ध अभियान प्रारंभ किया था। इससे पहले भी जितने राजा होते थे भारतवर्ष में, वो अपना विजय अभियान अगर चलाना चाहते थे तो बारिश के बाद ही युद्ध करते थे, क्योंकि उस समय सब धर्म युद्ध वाले नीति के होते थे। जब तक कि बाहर से मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ उससे पहले धर्म युद्ध करते थे सब, बारिश के समय में कोई युद्ध नहीं करता था। तो बारिश के बाद युद्ध की तैयारियां प्रारंभ होती थी और युद्ध की तैयारियों में ये क्या करते थे कि सेनाओं में उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जो युद्ध की घटनाएं हैं उनको दिखाया जाता था नाटक के रूप करके, जैसे आजकल रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला होती थी, राम ने उस समय नहीं मारा, हाँ उस समय राम की लीला होती थी। कहीं कहीं पर देवी और महिषासुर का वर्णन आता है, ऐसे ऐसे वीर गाथाओं का मंचन किया जाता था और दशमी के दिन वो नाटक जो है वो पूरा किया जाता था। धीरे धीरे करके लोगों के मन में क्या बात बैठ गई कि दशमी के दिन राम ने रावण को मारा, जबकि नाटक में दसवें दिन ये घटना दिखाई जाती थी। तो इस तरह से विजयादशमी का प्रचलन चल पड़ा है। तो जान करके मनाएं कोई हर्ज नहीं है, दीपावली भी ऐसा ही है। तो इस तरह से खटृतु के अंदर श्री देवचंद्र जी के समय में सुंदर सात के द्वारा दीपावली होली इत्यादि मनाए जाने का प्रसंग है। तो सब मनाते रहे हैं, त्योहार तो एक उत्साह का प्रतीक है, लोगों के मिलने जुलने का, प्रेम बांटने का प्रतीक है, तो उसमें क्या हर्ज है। आप कहें कि नहीं फलाने देवी का संबंध है इसके साथ, फलाने देव का देवता के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो आप पुराणों के आधार पर मान रहे हैं और वो पौराणिक आधार ही गलत है। तो इसलिए श्री जी ने जो बात कही कि और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए, हिंदुत्ववादी जो वेशभूषा है, इस वेशभूषा का विशेष कारण है। यदि हम श्वेत वस्त्र पहनते हैं ये भी एक प्रतीक है, यदि कोई सन्यासी भगवा वस्त्र पहनता है तो वो भी प्रतीक है, इसलिए उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो इसलिए सभी सुंदर साथ किसी भी तरह की कट्टरता की मानसिकता न पालें। श्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। निजानंद संप्रदाय हिंदुत्व का विरोध नहीं करता है और न ही इस्लाम का प्रचार करता है। निजानंद संप्रदाय हिंदुत्व और इस्लाम दोनों में फैल रही कुरीतियों को हटा करके, दोनों की अच्छाइयों को उजागर करके, वेद दर्शन उपनिषद कुरान बाइबल सभी धर्म ग्रंथों में निहित सत्य को उजागर करता है और सभी धर्म ग्रंथों में आपसी संबंध आपसी तारतम्य स्थापित करता है। इसलिए हम इस ज्ञान को इस वाणी को तारतम्य ज्ञान कहते हैं। तो कल की चर्चा में हम सुनेंगे आगे की पाती में श्री जी क्या कहते हैं और उसके बाद दिल्ली से निकल करके श्री जी अब राजस्थान की धरती जो कि वीरों की धरती है, जो कि धर्म की धरती है, वहाँ जाते हैं। किस तरह से वहाँ के राजा को जगाने का प्रयास करते हैं, किस तरह उदयपुर के राजा तक संदेश पहुँचाया जाता है, कैसे सुंदर साथ औरंगजेब की कैद से छूट करके श्री जी के चरणों में पहुँचते हैं, किस तरह से शेख बदल और मुकुंद दास जी को राजस्थान के ही कुछ जो आदिवासी कबीले थे वो लूटने के लिए भगाते हैं, किस तरह से प्राण रक्षा करके वो भागते हैं, वो सारी घटनाओं को सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दे रही है। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए,
निके राखियो बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।